अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डेली क्रिप्टो न्यूज़ जिस तरह मैंने कल शेयर की थी, आज दोबारा आपके साथ डेली क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। टोटल ग्लोबल मार्केट की बात करें, मार्केट कैप की बात करें तो 1.71 ट्रिलियन हो चुका है ये, जिसके अंदर आपको तकरीबन को 3% डिक्रीज देखने को मिला। लास्ट और पिछले दिन मैंने वीडियो शेयर की थी, उसके अंदर आपको इधर 1% लॉस नज़र आ रहा था, लेकिन आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, आज के डेट में इसके अंदर 3% लॉस हो चुका है, जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अच्छा खासा आपको डंप देखने को मिल रहा है प्राइजेस के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम बताते हैं कि आपने कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो अभी तक बाइंग रेंज में, आप उनके अंदर एंट्री लेते हैं तो जैसे मार्केट थोड़ी सी भी रिकवर होगी तो आपको उनमें से अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अभी मैंने कल वीडियो आपके साथ शेयर की थी, जिसके अंदर बिटकॉइन की प्राइस 38,600 पर ऊपर थी। मैंने जैसे आपको बताया था कि ये जैसे 38,000 के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस आएगी तो ऑल्ट कॉइन के अंदर आपको दोबारा अच्छा खासा डंप देखने को मिलेगा, इनकी प्राइजेस के अंदर अच्छा खासा क्रैश अपने को देखने को मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह $2772 का हो चुका है एथेरियम। बिटकॉइन की प्राइस के अंदर आपको इधर $600 की कमी देखने को मिली है, लेकिन ऑल्ट कॉइन के अंदर आपको इधर अच्छा खासा डंप देखने को मिल रहा है। बीएनबी की प्राइस भी $381 के ऊपर हो चुकी है। उसके अलावा सोलाना की अगर बात करें तो $87 के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। उसके अलावा इसके अंदर तकरीबन 7% का लॉस हो चुका है। एक्सआरपी की प्राइस की बात करें तो 0.59, इसके अंदर 4% का मजीद लॉस हो चुका है, क्रैश आ चुका है। उसके बाद टेरा लूना, जिसकी प्राइस मिनिमम के ऊपर थी, लेकिन उसके अंदर और आपको कमी देखने को मिल रही है, तकरीबन $97 के ऊपर आपको $79 के ऊपर आपको इसको देखने को मिल रहा है। इसके अंदर भी आपको 7% का लॉस देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको कल कार्डाना के बारे में बताया था कि जैसे बिटकॉइन की प्राइस 38,000 के ऊपर आएगी, कार्डाना की प्राइस आपको 0.7 के ऊपर मिलेगी। तो अब 0.7 के ऊपर आपने इसका टारगेट लगा के इसको बाय करना है, लेकिन अभी इसकी प्राइस 7664 है। ये 0.7 के ऊपर आएगा तो आपने इसके अंदर एंट्री ले लेनी है, और अगर आपने बाय करना है तो आपने पार्ट्स के अंदर बाय करना है, और इससे भी नीचे जाएगा तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मार्केट ने बहुत जल्द रिकवर करना है, तो इसकी प्राइस के अंदर आपको अच्छा खासा रिकवर देखने को मिलेगा। एक अब आपके पास कार्डाना है जिसके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद दूसरे जो कॉइन्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अभी डॉज की बात करें तो डॉज कॉइन के अंदर भी आपको 4% इधर लॉस देखने को मिल रहा है। उसके बाद पोलका डॉट 14.82, जैसे मैंने कल बताया था कि अभी इसकी प्राइस $14 को टच करेगी, लेकिन अभी भी इसके अंदर 82% का इजाफा है। जैसे 14 के ऊपर आएगी तो आपने इसके अंदर एंट्री लेनी है, और इसको पार्ट्स के अंदर बाय कर लेना है। जैसे रिकवर होगा तो आपको इधर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अभी इसकी प्राइस 9% डाउन गई है, इसी की यही वजह है कि लोग पहनने के अंदर सेल कर रहे हैं, लेकिन आपने इसको सेल नहीं करना, आपने इसके अंदर मजीद एंट्री लेनी है। अभी ये बाइंग रेंज के अंदर है, लेकिन जैसे इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो फिर आपने इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है। अभी ये टाइम है, आप इसके अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके अलावा शिबा इनू की प्राइस के अंदर भी तकरीबन 8.5% डाउन आया है। इसकी प्राइस के अंदर भी अगर आप एंट्री लेनी है तो आपने इधर थोड़ा भी वेट करना है, वेट करने के बाद आपने टारगेट लगाना है, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस नीचे आएगी तो इसके अंदर मजीद आपको क्रैश देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक ऑल टाइम अपना लो हो चुका है $1 के ऊपर। आप इसको $1 के ऊपर बाय कर सकते हैं, लेकिन बाय करने के लिए आपने इसको पार्ट्स के अंदर बाय करना है। मतलब ये कि आपने 20% पहले बाय करना है, उसके अलावा 20% फिर बाय करना है, क्योंकि इससे $1 से भी इसकी प्राइस नीचे आपको देखने को मिलेगी। नियर की बात करें तो नियर की प्राइस अभी 10.40 के ऊपर आपको मिल रही है, जिसके अंदर भी आपको तकरीबन 9% का लॉस देखने को मिल रहा है। लाइट कॉइन का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, इसके अंदर आपको $96 के ऊपर अभी ये ट्रेड हो रहा है, जिसके अंदर आपको तकरीबन 4.5% आपको इसके अंदर भी लॉस देखने को मिल रहा है। इसकी प्राइस लगातार नीचे जा रही है, बिटकॉइन की प्राइस जैसे नीचे जाती है इसकी प्राइस के अंदर भी अच्छा खासा डंप आ जाता है, लेकिन जैसे बिटकॉइन की प्राइस रिकवर होती है तो इसकी प्राइस रिकवर नहीं हो रही, इसलिए अभी आपने लाइट कॉइन के अंदर एंट्री नहीं लेनी। अगर ट्रॉन की बात करें तो ट्रॉन की प्राइस जो है अभी तक अपने उसी के ऊपर ट्रेड हो रही है, अभी इसकी प्राइस के अंदर कोई खास डंप नहीं आया, 1% इसके अंदर डाउन आया। अभी इसके अंदर अगर आपने एंट्री लेनी है तो आपने अभी वेट करना है, 0.06 के ऊपर आप इसकी एंट्री ले सकते हैं। उसके लिए भी आपने पार्ट्स के अंदर बाय करना है, अगर आपके पास $100 है तो आपने उसमें से $20 या $30 का बाय करना है, बाकी आपने अपने पास रख लेने हैं, ताकि इसकी प्राइस नीचे मजीद जाए तो आप उसके अंदर बाय कर लें। उसके अलावा आपके पास कौन सा कॉइन आपको एकदम सेंड करता हूँ, लिंक की अगर बात करें तो 11.11 के ऊपर, जिसके अंदर भी आपको 8.5% का लॉस देखने को मिल रहा है। उसके बाद यूनिस्वैप की बात करें तो इसके अंदर आपको 12% का लॉस मिल रहा है। अभी इसको भी आप इधर बाय अपना बाय कर सकते हैं, ये भी आपको बाय रेंज के अंदर मिल रहा है।
अगर आपने बाय करना है तो आपने इसको पार्ट्स के अंदर बाय करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि $20 का अभी आप बाय कर लें, अगर आपके पास $100 है तो बाकी आपने अपने पार्ट्स रिकवर रखने हैं। उसके बाद XMR, ये वाहिद ऐसा कोइन है जिसको जो मार्केट क्रैश होती है लेकिन ये कोइन पंप होता है। अभी कल की मार्केट के अंदर इसने क्रैश लिया था लेकिन अब दोबारा ये रिकवर हो रहा है, इसने अपना दोबारा प्राइस जो है रिकवर कर लेनी है। अगर आपने इसको बाय करना है तो आपने इसको थोड़ा अपना स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट जैसे क्रैश हो तो ये कोइन भी क्रैश हो सकता है। उसके अलावा BTC की आपके पास टेक्निकल एनालिसिस शेयर करें तो वो भी आपको मैं इधर थोड़ी बहुत आपको बता देता हूँ। बिटकॉइन के अगर हम चार्ट की बात करें तो बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर क्लिक करते हैं तो वन डे का टाइम फ्रेम है, थोड़ा इसको मैं करता हूँ जूम। जूम करने के बाद आपको इसकी मेजर प्राइस की जो सपोर्ट लेवल नज़र आ रही है, आपको ये एक वाली लाइन बनी हुई है, ये खुद ब खुद इधर ड्रा हुई हुई है। तो ये अपना 37,939 के ऊपर आपको इसकी सपोर्ट नज़र आ रही है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है लेकिन इसको वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर एक ऊपर कैंडल बनानी चाहिए, तभी इसकी प्राइस के अंदर आपको इधर रिकवर देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी प्राइस जो है बार बार एक पॉइंट के ऊपर टच हो रही है, ये क्या करें, इस पॉइंट के ऊपर इसकी प्राइस बार बार टच होने के बाद इसको अच्छा खासा इधर से पंप देखने को मिल रहा है। अभी जैसे ही इसके ऊपर प्राइस की टच हुई है, यहाँ पर इसकी टच हुई है तो इसकी प्राइस के अंदर अच्छा खासा पंप आया, लेकिन दोबारा नीचे आई है, दोबारा इसने टच इसी पॉइंट को टच किया लेकिन इसके अंदर फिर पंप आया, फिर नीचे आई है, फिर इसके अंदर पंप अच्छा खासा देखने को मिला, लेकिन फिर आहिस्ता 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 करते करते ये दोबारा उसी पॉइंट के ऊपर आ गई है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। इसके लिए आपने इधर अपना स्टॉप लॉस यूज़ करना, अगर आपने एंट्री लेनी है तो आप इधर एंट्री ले सकते हैं अभी और स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। आपने अपने लॉस के हिसाब से 2% के लॉस का स्टॉप लॉस यूज़ कर लेना है, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है कि यहाँ से मार्केट को बार बार पंप मिल रहा है देखने को, यहाँ से अच्छी खासी आपको इधर वॉल्यूम नज़र आ रहा है। जैसे इस पॉइंट के ऊपर आता है अच्छा खासा आपको इधर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि इस पॉइंट के अंदर दोबारा इसको अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिले और आपको इधर से प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपने एंट्री लेनी है तो आपने इसके अंदर एंट्री लेकर स्टॉप लॉस यूज़ कर लेना है, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर मार्केट को हो सकता है कि रिकवर मिले, तो आपने इस पॉइंट को मिस नहीं करना, इसको लाजमी आपने कवर करना है। ये पॉइंट है, इसको थोड़ा मैं जूम करके आपको चेक करवा देता हूँ। ये बार बार मार्केट एक ही पॉइंट के ऊपर टच हो रही है तो इसका मतलब ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको आप मार्केट दोबारा टच करने के बाद ऊपर चली जाती है। बायर जो है इस पॉइंट के ऊपर इसका वेट कर रहे हैं, अभी इसके अंदर आपको पंप देखने को मिल सकता है, तो आपने इसको मिस नहीं करना। ये तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो जिसके अंदर आपको बता दिया, 2 से 3 कोइन आपको ऐसे बता दिए जिनके अंदर आप एंट्री लेकर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा बिटकॉइन की टेक्निकल एनालिसिस भी आपके साथ शेयर कर लिया है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर बिटकॉइन को दोबारा रिकवर देखने को मिलेगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।